सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पैसा तो सिर्फ जीने के लिए होता है, हंसने के लिए हमेशा दोस्तों की जरूरत पड़ती है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बतलाता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सच्चा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो वे रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। आज का पंचांग 31 मई 2021 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 1:06 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र शाम 4:01 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:24 से 9:04 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 3:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। तुला राशि 31 मई 2021 दिन सोमवार, आप अभी रचनात्मक मोड पर हैं, जहां आप आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। दोस्तों और परिवार के साथ खाली समय का आनंद लें, लेकिन चोट या दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें। जोखिम भरे व्यवहार से बचें। रिश्ते के अंत में एक छोटी सी यात्रा हो सकती है। जिन्हें आप प्यार करते हैं वे ही आपकी प्रेरणा और सच्ची राय का स्रोत है। इशारों पर नाचने वाले लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और परिवार के साथ व्यतीत करें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके खराब विचार पहुंचा सकते हैं। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजारें, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचि आप जैसी होगी और वे आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आप किसी शादी समारोह में भी जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार की शादी हो सकती है, आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। विशेष तौर पर युवा वर्ग ध्यान रखें कि आज कोई बेहतरीन उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर कोई स्थान परिवर्तन संबंधित योजना बन रही है तो आज उस पर ध्यान देने के लिए समय अनुकूल है। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए उचित रहेगी। आपसे जुड़े प्रिय व्यक्ति व्यक्तियों के रिश्ते में आ रही दरार के कारण आपको अधिक मानसिक तकलीफ का सामना हो सकता है। किस पक्ष का चुनाव करना है या तय करना भी आपके लिए कठिन हो सकता है। दूसरों के झगड़े सुलझाने की कोशिश बिल्कुल ना ही करें। हर व्यक्ति के साथ आपकी संबंध और उन्हीं व्यक्तियों से आपसी संबंध यह दो अलग बात है, इस बात को जान लेना आवश्यक होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम की प्रेरणा प्राप्त होने के लिए वक्त लग सकता है, लेकिन दिए गए समय से पहले काम बेहतरीन तरीके से आपके द्वारा पूर्ण होगा। विवाह संबंधित निर्णय लेते समय अनेक व्यक्तियों के साथ चर्चा करने के कारण आपकी उलझन बढ़ सकती है। ब्लड शुगर से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। नौकरी के लिए साक्षात्कार में सफलता मिल सकती है। संतान के करियर संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। अनाज के व्यापारियों को अच्छा मौका भी मिल सकता है। ऑफिस में उठा पटक हो सकती है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो अनुकूल समय है। यात्रा से बचें। निकट परिजनों के व्यवहार से कुछ परेशानियां भी हो सकती है। किसी महिला की मदद से काम बन सकता है। साझेदारी का काम संभालें। सावधानियां।
वैर के वाद विवाद में पड़ने से कोई अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें, वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव व सहयोग को नजरअंदाज ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन बेहद स्पेशल है, जहां आप एक डिवाइन लव की तलाश में हैं। रोमांस का पूरा मजा लेने के लिए आपको अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे। याद रखें, प्यार का रिश्ता हमें आत्मविश्वास के साथ साथ दूसरों का सम्मान करना भी सिखाता है। आज आपका दिन बेहद शुभ है। अच्छे दोस्त की तलाश है तो आज ऑनलाइन किसी खास को ढूंढें। रास्ते में कोई पसंद आए तो उसे देखकर मुस्कुराएं या किसी अजनबी से बात करके देखें, भाग्य आपका साथ देगा। अगर विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे व्यतीत करें। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनौटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि या तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन ना करें, यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल उचित बना रहेगा। बात करते हैं करियर की। पेशे में हानि या जीवन में संघर्ष, दोनों ही सूरतों में आप कभी पीछे नहीं हटते, बल्कि जमकर उसका सामना करते हैं। व्यापार और ऑफिस में कूटनीति या राजनीति का प्रयोग करके आप हारे हुए खेल को जीत सकते हैं। अपने दिल के सुने, इससे सही दिशा मिलेगी। आज आपके व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की भी संभावना है, क्योंकि आपकी योजनाएं और रणनीतियां सही से काम नहीं कर रही। आपके काम के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। कानूनी परेशानियों से आपके व्यापार में समस्या उत्पन्न होगी। सबसे पहले खुद पर विश्वास करें और मन की शांति तलाश करें। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और करियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी करियर से संबंधित योजना का एक सूची तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकें। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। यह जानकर व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे तो आज उस बारे में भी राय की खबर मिलेगी। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर 5 अमृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।